है दोस्त, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है हम लोग ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, कह रहा है 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot a, यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot a। जब यहाँ पर देखिए 15 cot a के बीच में यहाँ पर इंटू छिपा हुआ है, जब ये 15 बराबर के इस तरफ आता है तो ये भागा में चला जाता है। जो चीज गुणा में होता है जब बराबर के इधर आता है तो वो भागा में चला जाता है, इसका मतलब बटा में क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आया है cot a बराबर 8/15। तो अब बताइए आपको cot a cot theta बराबर क्या होता है, समझने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए लाल बटा काका, लाल बटा के ए। हमको पता है कि cot थीटा मतलब sin cos tan, tan के उल्टा होता है cot, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। इसका मतलब कि यहाँ पर आधार दिया है और लंब दिया है, इसका मतलब कि एक त्रिभुज है जिसमें आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15। तो हमको कौन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है ए बी और सी, अगर हम थीटा इसको लेते हैं तो इसका मतलब कि ये लंब दिया है, लंब कितना दिया है 15 के, और आधार कितना दिया है ए बी, आधार कितना है 8। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कोण निकालना पड़ेगा। अगर हमको सोल्यूशन करना है, हमको हल निकालना है, तो बड़े त्रिभुज के तीनों भुजा का मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम बताए थे कोण निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, उस कोण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, उस कोण का नाम क्या है, एसी, एसी के स्क्वायर बराबर एबी भुजा के स्क्वायर प्लस बी से, यानी कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कोण क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पर पहले से है एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर आधार कितना दिया है, ए बी आधार कितना दिया है 8 के स्क्वायर प्लस 15 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 8 64 और 15 15 225, एसी के स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा 289। अब देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के इधर रूट आ जाता है, तो देखिए यहाँ पर एसी बराबर स्क्वायर खत्म हो गया तो इधर क्या हुआ, रूट हमारा आ गया, तो 289 मतलब 289। अब कितना हो जाए 17 17 289, तो हमारा एसी बराबर कितना आ गया, 17 हमारा आ गया। ठीक है, तो हमारा इस भुजा मतलब कि इस कोण का हमको मान पता चल गया क्या है, 17 है, इसका 8 है, इसका 15 है। तो अब कह रहा है sin a और sec a का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर sin, हमको पता है कि लंब बटा में कोण होता है, मतलब लंब उसमें क्या है, और थीटा हम a लेंगे, sin a a की बात कर रहा है ना, तो लंब वही रहेगा, कोण वही रहेगा, तो कोण के माध्यम से लंब क्या होगा बीसी, और आधार के कोण क्या होगा एसी, बीसी बटा में एसी, तो बीसी का मान कितना दिया है 15 और एसी का मान कितना दिया है 17। ठीक है ना, बराबर वही होगा, यही माने के नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और कह रहा है और sec a का मान कह रहा है ज्ञात करिए, तो sec a बराबर क्या होता है sin cos के उल्टा होता है sec, कोण बटा में आधार, तो उसमें कोण क्या है उसी थीटा के लिए, sec a के लिए a थीटा के लिए कोण क्या होगा एसी होगा, और आधार क्या होगा ए बी होगा, एसी बटा में ए बी, एसी का मान कितना दिया है 17 और ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान कितना दिया है वो 8 दिया ना, 8 दिया यहाँ पर 8, तो 17 बटा में 8, ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन मतलब कुछ है नहीं इस सवाल में, ओके बाय।